पंचलाइट पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा छठी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के प्रतिनिधि झाने को दिया। कितने में लालटेन खरीदी महतो? .. देखते नहीं है पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं, अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नु महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने भगतिया पच्छकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखर धरने में टेढ़ बेर हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोर गुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के एक घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, 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 पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कोड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। बहुत बहुत पंचलाइट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाए, पूरे 5 कोड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे तू खेल करता है, दे दे बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गाँव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है, भाई रे गाय लून तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट चलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से, ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बालता है। सबकी ये कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत चलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंप जरा होशियारी से देना।
गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले, वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने पर हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिंगुक चित चिन, कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है, मुनरी बोली। तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधना जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान को देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है गोधन को खोल दिया जाए। पंचों ने भी एक स्वर में कहा। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं काके। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाए। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुर्गेन मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। डॉट लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माँ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। कीर्तन या लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।